स्विच दे दिए है, देखिए जल रहा है और रेगुलेटर भी काम कर रहा है, लाइट बढ़ रहा है, घट रहा है, देखिए और बढ़ रहा है, देखिए देखिए बंद हो गया, फिर से चालू हो गया, देखिए रेगुलेटर भी काम कर रहा है। हेलो गाइस, आप सबके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो। दोस्तों 9 कार्टन का बोर्ड है, देखिए फ्यूज से इंडिकेटर में सेटिंग हो रहा है, फेज का जो लाइन है कनेक्शन हो रहा है और इंडिकेटर से स्विच में दिया जा रहा है। यह है आपका पॉजिटिव मतलब फेस लाइन है और देखिए दोस्तों दूसरा स्विच में भी कनेक्शन जा रहा है। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नया है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा वीडियो चाहिए। देखिए दोस्तों कनेक्शन हो रहा है दूसरा स्विच से तीसरा स्विच में कनेक्शन हो गया, चौथा वाला स्विच में कनेक्शन हो रहा है। देखिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर, 4 स्विच और 2 सॉकेट, एक 3 पिन सॉकेट और एक 2 पिन सॉकेट। पॉजिटिव का जो कनेक्शन वो हो गया, अभी स्विच से आउटगोइंग का स्विच का तो इनकमिंग का पार्ट हो गया, आउटगोइंग का जो है वही येलो कलर का वायर से हम कर रहे हैं। ये 2 पिन सॉकेट है, उसमें फेज जो लाइन है पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव दे दिए है और दूसरा वाला में देखिए ये हो गया आपका 5 पिन सॉकेट का जो कनेक्शन वो हो रहा है, 5 सॉकेट का कनेक्शन हो। देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइन न्यूट्रल बॉडी आर्ट, देखिए तीनों का तीनों लिखा हुआ है और न्यूट्रल का कनेक्शन हो रहा है, 2 पिन सॉकेट का जो न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, अब इंडिकेटर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो रहा है। अरे हो गया आपका प्लग का जो न्यूट्रल का कनेक्शन। दोस्तों देखिए जो हो गया आप लोगों को एक 2 होल्डर और फिर पावर प्लग का लाइन लगा के हम दिखा रहा है कनेक्शन कैसे होता है। देखिए पहले बोर्ड का अंदर तार डाल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके कनेक्शन कर देता हूँ। ये येलो कलर का जो वायर हमने लिए है येलो और ब्लैक, येलो मतलब पॉजिटिव। ये देखिए रेगुलेटर का जो कनेक्शन है स्विच का एक ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसमें से कनेक्शन एक ले लिया और दूसरा वाला जो वायर है उसके साथ, यहाँ तो पंखा नहीं है तो हम लाइट में होल्डर का जो लाइन है उसके साथ टेप मार के दिखा रहा है आप लोग जॉइंट करके। देखिए फेज लाइन हो गया और ब्लैक वाला जो न्यूट्रल है वो हम छोड़ दिया है, बाद में एक साथ में दिखाएंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। ये हो गया आपका दूसरा स्विच का जो पॉइंट है उसका फेज वाला कनेक्शन, वो येलो ये हो गया रेड। जितना भी ब्लैक वायर है वो सब न्यूट्रल किया हुआ है। न्यूट्रल में न्यूट्रल दे रहा है, ये इंडिकेटर का न्यूट्रल का साथ सेटिंग हो रहा है। और जो बोर्ड में इनकमिंग का जो लाइन आया है उसका न्यूट्रल के साथ हम 5 पिन जो सॉकेट है उसमें दे रहा है। देखिए फाइव पिन सॉकेट के साथ कस दे रहा है और येलो कलर का जो ये हो गया आपका
फेज लाइन इनकमिंग लाइन है वो हम फ्यूज में दे रहे हैं। बोर्ड का अंदर तार डाल लेता हूँ, बोर्ड को अच्छी तरह से समेट लेता हूँ और देखिए टेप भी बढ़िया तरह से किया हुआ है, अच्छा करके टेपिंग करना है। देखिए लाइन दे रहा है, उसके बाद देखिए दोस्तों कैसे जलता है, लाइन आ गया, इंडिकेटर जल गया, अब स्विच दे दिया, पहला वाला जो बल्ब वो जल गया। और पंखा तो नहीं है, रेगुलेटर के साथ हम दिखा रहे हैं कैसे बल्ब का जो लाइट पावर लाइट है वो कैसे बढ़ रहा है कम रहा है। देखिए देखिए घट रहा है फिर बढ़ रहा है। अभी प्लग में लाइन आया है कि नहीं स्विच लगा के हम दिखा रहे हैं, देखिए आ गया ऑन कर रहा है देखिए, और दूसरा वाला में भी आ रहा है देखिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद।